हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और इस डर को दूर भगाने के लिए हम लोग अभी इकॉनमी पीटी 365 को कवर कर रहे हैं और ये इकॉनमी पीटी का लास्ट वीडियो है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि जितने भी रेलेवेंट कंटेंट हैं वो आपको इस चैनल पर आसानी से एक्सेसिबल हो जाए। अब दोस्तों, इकॉनमी के बाद हम लोग इन्वायरमेंट का पीटी 365 और धीरे धीरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी पीटी 365 को पूरी अच्छी तरह से कवर करेंगे। ना सिर्फ कवर करेंगे, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपको पीटी में से क्या क्या लिखना है फॉर योर शॉर्ट नोट्स। तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप प्रीलिम्स चैलेंज का पार्ट हैं, मेरे साथ साथ अगले 70 डेज आप काम करते हुए प्रीलिम्स को आसानी से निकालना चाहते हैं तो फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल सी एस सी विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो हम लोग एकदम सेकेंड लास्ट टॉपिक में चल रहे हैं जो कि एनर्जी सेक्टर का था और उसमें ये आपका आर्टिकल है मार्केट कपलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों मार्केट कपलिंग क्या है ऐसा समझना है आपको कि इंडिया में अभी तीन पावर एक्सचेंजेज हैं। लिख लीजिए, थ्री इंडिया हैज़ थ्री पावर, ये टॉपिक डाल लीजिए। ठीक है, ये टॉपिक डाल लीजिए और फिर लिखिए इंडिया हैज़ थ्री पावर एक्सचेंजेज। लिखिए इंडिया हैज़ थ्री पावर एक्सचेंजेज। नंबर वन लिखिए इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, लिख लीजिए। दूसरा लिखिए पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरा लिखिए हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। इसमें सबसे बड़ा जो है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड है। दूसरा लिख लीजिए पॉइंट कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज हैज 90% मार्केट शेयर। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज IEX हैज 90% मार्केट शेयर, बस इतना लिख लीजिए। अब दोस्तों हम लोग आते हैं ये मार्केट कपलिंग के ऊपर। दोस्तों, ये जो तीनों मार्केट आपने लिखा है, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, इन तीनों में जो प्राइस होता है दोस्तों वो अलग अलग होता है कहीं ना कहीं। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती है। कभी कोई किसी एक्सचेंज में से इलेक्ट्रिसिटी खरीदना प्रेफरेबल होता है और कभी दूसरे से खरीदना प्रेफरेबल होता है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है उसका टारगेट है दोस्तों वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस फ्रेमवर्क को प्रमोट करना। ठीक है, गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस फ्रेमवर्क को प्रमोट करना। और इसी के लिए क्या किया जा रहा है दोस्तों, एक्सचेंजेज को कपल किया जा रहा है, एक्सचेंजेज जो है उसको कपल किया जा रहा है। जैसे इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड पर जिस प्राइस में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिले उसी प्राइस में आपको PXIL में भी मिल जाए और उसी प्राइस में HPX में भी मिल जाए। तो लिख लीजिए कि मार्केट कपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इज इट द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म मार्केट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म मार्केट फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इतना लिख लीजिए बस, और उसके बाद आप ये टर्म लिख लीजिए टू एग्जीक्यूट वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस फ्रेमवर्क। टू एग्जीक्यूट वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस फ्रेमवर्क। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा मार्केट कपलिंग, आपने जहां पे भी लिखा होगा उसे ऐसे लाइन खींच करके लिख लीजिएगा कि मार्केट कपलिंग जो है ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा। और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, बस इतना आपको लिखना है। अब दोस्तों आपका इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल्स लाया गया है 2023 में, तो इस रूल्स के तहत कुछ कुछ चीज़ों को चेंज किया गया है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें चेंज की गई है। अभी जैसे आपका पूरे दिन सेम प्राइस लगता है इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स का, पर यूनिट जो चार्ज है वो सेम लगता है दिन में, आप चाहे कभी भी यूज करो। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है, धीरे धीरे रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट होना चाहती है,
धीरे धीरे रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट होना चाहती है और नॉन रिन्यूएबल से दूरी बनाना चाहती है। अब रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट होने के लिए दोस्तों अब सोचिए कि मान लीजिए हम लोग सोलर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो सोलर एनर्जी तो दिन में अवेलेबल है, दिन में अवेलेबल है और रात में अवेलेबल नहीं है, रात में अवेलेबल नहीं है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि डे टाइम का जो पर यूनिट प्राइस है उसको कम रखा गया है, डे टाइम का पर यूनिट प्राइस को कम रखा गया है बट नाइट टाइम का पर यूनिट प्राइस को अधिक रखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी हैबिट को प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें कि लोग रात में कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। तो आप लिख लीजिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर अमेंडमेंट रूल्स 2023, उसमें लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम ऑफ डे टैरिफ, इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम ऑफ डे टैरिफ, और बस उसमें इतना लिखिए पावर टैरिफ ड्यूरिंग सोलर आवर्स इज लेस, पावर टैरिफ ड्यूरिंग सोलर आवर्स इज लेस, ठीक है, और पावर टैरिफ ड्यूरिंग नॉन सोलर आवर्स इज मोर, पावर टैरिफ ड्यूरिंग नॉन सोलर आवर्स इज मोर। तो एक तो ये इसका प्रोविजन है दोस्तों, बाकी आपके प्रोविजंस नॉर्मल हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपको बहुत कम टाइम में मिल जाएगा, टाइम बाउंड मैनर में मिल जाएगा। फिर जो भी कोई विलफुल डिसरिगार्ड करेगा अगर कंज्यूमर राइट्स का तो उसको पेनल्टीज वगैरह भरना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए दोस्तों जो डिस्कॉम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो उनके उनको ये कभी नहीं पता चलता है कि कब पीक आवर्स आने वाला है, और पीक आवर्स और फिर उस टाइम उसकी प्राइस हाई हो सकती है, ठीक है। जैसे डिमांड बढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ सकता है, और उसी तरह से डिमांड घटेगा तो प्राइस घट भी सकता है। तो यही सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए दोस्तों एक पुष्प पोर्टल लाया गया है, पुष्प पोर्टल लाया गया है। तो आपको बस कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिखना है पुष्प पोर्टल लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पुष्प पोर्टल लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, टू इंश्योर ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ पावर ड्यूरिंग पीक डिमांड सीजन। बस इतना ही लिख लीजिए, टू इंश्योर ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ पावर ड्यूरिंग पीक डिमांड सीजन, बाकी ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों नेशनल गैस ग्रिड के बारे में जान लेते हैं। तो नेशनल गैस ग्रिड का जो बिहार पोर्शन जो है, जो बरौनी और गुवाहाटी को जोड़ता है, ठीक है, बरौनी में आपको पता है कि एक रिफाइनरी है, ठीक है, तो उस बरौनी को गुवाहाटी यानी असम, बरौनी बिहार में है, गुवाहाटी असम में है, तो बरौनी को गुवाहाटी से जोड़ता है। ये गैस पाइपलाइन कंप्लीट हो गया आपका, इसीलिए नेशनल गैस ग्रिड न्यूज में है। तो नेशनल गैस ग्रिड क्या है, उसके पहले ये आप जान जाइए कि नेचुरल गैस क्या होता है। जैसे आप देखते होंगे CNG LNG ये सब होता है ना, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, या फिर PNG पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो चीज़ है, इस सब में आप देख रहे हैं नेचुरल गैस आ रहा। तो नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस मेनली होता है आपका हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें से कि आपका क्या है, मेनली मीथेन है और एक आधा और हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, और उसमें एक कुछ इम्प्योरिटीज भी होती है जैसे नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ये सब भी। तो इन सब के मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नेचुरल गैस बोलते हैं, ठीक है, इन सब के मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं। लिखने की जरूरत नहीं, आप मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पता होगा कि नेचुरल गैस में मेनली आपका मीथेन एंड और जो दूसरे टाइप के हाइड्रोकार्बन्स गैसेस आते होंगे, ठीक है। और नेचुरल गैस का अगर नहीं पता तो लिख लीजिए, नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस रिच इन हाइड्रोकार्बन्स, एग्जांपल मीथेन, एग्जांपल मीथेन, ठीक है। फिर देखिए नेचुरल गैस कहाँ पर मिलता है, तो नेचुरल गैस मिलता है डीप इनसाइड द अर्थ नियर अदर सॉलिड एंड लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेड्स, जैसे कोल के साथ, पेट्रोलियम के साथ आपका नेचुरल गैस मिलता है, ठीक है। और फिर इट इज़ नॉट यूज इन इट्स प्योर फॉर्म, इसको क्या करना पड़ता है दोस्तों, रिफाइन करना पड़ता है। मैंने आपको क्या बताया कि बरौनी में एक रिफाइनरी है। फिर देखिए ये सब कुछ लिखने की आपको तो ज़रूरत नहीं है, बस समझते चले जाइएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखना है कि जो गैस है वो प्राइमरी एनर्जी मिक्स में, मतलब जितना हम लोग एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं उसमें 6.5% ही हम लोग एनर्जी गैस से लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग का टारगेट है कि 2030 तक हम लोग गैस इकोनॉमी का जो शेयर है उसको 15% तक कर दें। तो लिख लीजिए आप सीधा ऐसे लिख लीजिए, शेयर ऑफ गैस इन एनर्जी मिक्स,
एनर्जी मिक्स, ये चीज़ आप लिख लीजिए, ठीक है। गैस यानी नेचुरल गैस, ठीक है। तो शेयर ऑफ गैस इन एनर्जी मिक्स क्या हो गया आपका, 6.5% है करेंटली। टारगेट क्या है, टारगेट है 15% बाई 2030। तो जैसे टारगेट दिया कि 25% बाई 2030 या 15% बाई 2047, तो वो दोनों गलत हो जाएगा क्योंकि आपको ये चीज़ याद हो गई है, है ना, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। फिर आप अगला पॉइंट एक लिख लीजिए कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो आता है वो आपका आता है यूनियन लिस्ट के अंतर्गत, ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉल्स अंडर यूनियन लिस्ट। अभी नेशनल गैस ग्रिड क्या है, तो नेशनल गैस ग्रिड है दोस्तों आपका लगभग 33,000 किलोमीटर लॉन्ग नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क है, जो कि आपका मेजर सप्लाई एंड डिमांड सेंटर जो है, जहां जहां पर से भी गैस की डिमांड है और जहां जहां तक सप्लाई करना है। जैसे कहां कहां डिमांड हो सकता है, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में डिमांड हो सकता है और उसी तरीके का और चीज़ों में डिमांड हो सकता है, ठीक है। या फिर जहां पर उसको रिफिल करते हैं वो गैस के सिलेंडर्स को, उन सब जगह पर डिमांड हो सकता है, तो वहां वहां तक ये गैस को पहुंचाती है, ठीक है, तो उसे मतलब नहीं है। तो ये नेशनल गैस ग्रिड क्या है, तो ये 33,000 किलोमीटर लॉन्ग नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि कनेक्ट करती है सारे सप्लाई और डिमांड के सेंटर्स को, ठीक है। लेकिन वो आपको नहीं लिखना है, आप चाहे तो लिख सकते हैं नेशनल गैस ग्रिड 33,000 किलोमीटर लॉन्ग नेचुरल गैस पाइपलाइन, बस इतना लिख लीजिए, पाइपलाइन नेटवर्क। बाकी तो आप समझ ही जाएंगे, जहाँ सप्लाई वहाँ तक सप्लाई लेके जाना है जहाँ जहाँ पर डिमांड है। आपको ये लिख लीजिए कि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, और इसको लिख करके ऐसे ब्रैकेट में डाल करके, ऐसे डब्बे में बंद करके, ऐसे लाइन खींच करके आप लिखिए कि ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड क्या है। तो ये इसको क्रिएट किया गया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट के द्वारा। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006 के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि PNGRB एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो क्रिएटेड बाई PNGRB एक्ट 2006, हेंस, फिर से नीचे में एक लाइन और खींच करके लिख दीजिए ऐसे करके, हेंस ए स्टैट्यूटरी बॉडी। बाकी इसका काम आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसका काम तो क्या होगा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का ये रेगुलेटरी बोर्ड है, ठीक है। तो देखिए ये क्या करता है, इट एम्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड एंटिटीज एंगेज्ड इन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस। फिर इट ऑल्सो ऑब्जर्व्स गैस एक्सचेंज फॉर द ट्रेडिंग ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया। इट इज द अथॉरिटी टू ग्रांट ऑथोराइजेशन टू द एंटिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। फिर इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो वो सब कुछ लिख, ये सब कुछ मत लिख करके, आप चाहें तो बस इतना लिख लीजिए, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आइए दोस्तों, अब जो हम लोग 12th सेक्शन है इसका, जो एंड सेक्शन है PT365 इकोनॉमी का, उसको देखते हैं। तो इसमें आता है बिजनेस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हम लोग आर्टिकल्स को देखेंगे। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है दोस्तों वो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो है उसने बहुत सारा चीज़ बताया है CSR के बारे में। तो CSR है क्या दोस्तों, कि एक कंपनी जो है सोसाइटी से पैसे कमा रही है, ठीक है, जो भी काम कर रही है वो तो सोसाइटी से, पब्लिक से ही वो पैसे कमा रही है, ठीक है। और इस चक्कर में कई बार सोसाइटी को नुकसान भी होता है, क्योंकि जो भी कंपनीज होती हैं वो कुछ पॉल्यूशन करती हैं, ठीक है, तो उसका नुकसान भी कौन, उसका बर्डन भी कौन झेलता है, सोसाइटी ही झेलता है, ठीक है। तो इस कारण से वो जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका कुछ सामाजिक दायित्व है, और उस सामाजिक दायित्व को उनको पूरा करना चाहिए। तो सबसे पहले ये लिख लीजिए CSR लिख करके, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख करके, आप सीधा ऐसे CSR लिख करके सबसे पहले लिखिए, एप्लीकेबल टू, तो एप्लीकेबल किसको किसको है वो लिखिए। तो एप्लीकेबल है टू कंपनीज विथ नेट प्रॉफिट 5 करोड़, नेट वर्थ 500 करोड़, फिर टर्नओवर 1000 करोड़। मतलब इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन मीट हुआ तो वो CSR पे करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। नेट प्रॉफिट 5 करोड़, नेट वर्थ 500 करोड़, या फिर टर्नओवर 1000 करोड़, इतना अगर है तो वो कंपनी क्या है, एलिजिबल है। ये चीज़ आप लिख लीजिए। तो आपने एप्लीकेबल टू लिख लिया, अब लिख लीजिए बाई, ऐसे लिखना है CSR
एप्लीकेबल टू, फिर ये एक दो तीन इतना लिख लिया, फिर यहाँ लिखे बाई सी एस आर बाई, तो बाई विच एक्ट, तो बाई एक्ट लिखे कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, उसमें भी लिख लीजिए सेक्शन 35 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इस एक्ट से इसको क्रिएट किया गया है, ठीक है। अब देखिए हाउ मच, उसी तरह से एक और लाइन नीचे खींच करके लिखेगा हाउ मच, हाउ मच तो लिख लीजिए मिनिमम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, मिनिमम 2% ऑन एवरेज नेट प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ये लिख लीजिए। फिर उसके नीचे आप लिख लीजिए डिटेल्स फाइल्ड ऑन, डिटेल्स फाइल्ड एनुअली ऑन एमसीए 21 रजिस्ट्री, एमसीए 21 रजिस्ट्री। फिर बाकी देखिए नॉन कॉम्प्लायंस लिख लीजिए, नॉन कॉम्प्लायंस इज ए सिविल रॉन्ग, नॉन कॉम्प्लायंस इज ए सिविल रॉन्ग, ये चीज लिख लीजिए कि अगर आप उसको कॉम्प्लायंस नहीं करते हैं तो ये एक क्रिमिनल केस नहीं है, यहाँ पर आप पर सिविल केस उठेगा बनेगा, ठीक है, तो नॉन कॉम्प्लायंस इज ए सिविल रॉन्ग, ठीक है। फिर आप मान लीजिए खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ कुछ जगह आप वो पैसा कंट्रीब्यूट करके भी अपना सीएसआर एक्टिविटी को फुलफिल कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ पर फंड मतलब चंदा देना जो है एलिजिबल है सीएसआर एक्सपेंडिचर के अंतर्गत, तो लिख लीजिए अगला लिख लीजिए एलिजिबल एक्सपेंडिचर, लिख लीजिए एलिजिबल एक्सपेंडिचर, तो आप स्वच्छ भारत कोष में चंदा दे सकते हैं, क्लीन गंगा फंड में दे सकते हैं, इस सारे को लिख लीजिए प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कभी, आई डोंट नो कि ये पूछेगा या नहीं पूछेगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए स्वच्छ भारत कोष में आप चंदा दे सकते हैं, क्लीन गंगा फंड में दे सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में दे सकते हैं, पीएम सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी, ये पूरा मत लिखिए, पीएम केयर्स फंड जो COVID-19 टाइम आया था ना उसमें दे सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, पीएम नेशनल रिलीफ फंड और पीएम केयर्स, इन सभी में हम चंदा दे करके आप अपना सीएसआर एक्टिविटी फुलफिल कर सकते हैं दोस्तों, तो ये हो गया आपका। अब देखिए लिख लीजिए डेटा, नीचे लिख लीजिए एक डेटा, तो डेटा में दोस्तों आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखना है कि हाईएस्ट स्पेंडिंग इन हेल्थ केयर, तो डेटा है लिख लीजिए जो जितना सीएसआर एक्सपेंडिचर होता है तो हेल्थ में ही 29% स्पेंड हो जाता है, 29%, और दूसरे नंबर पर होता है एजुकेशन में, एजुकेशन में 24%। अब जैसे को देखिए मैं जो वही चीज़ लिखाता हूँ ना जो जिससे आपको क्वेश्चन बन सकता है दिमाग में, आप इसको क्वेश्चन बनाइए कि जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका हाईएस्ट एक्सपेंडिचर इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में होता है, सोचिए कि ये कुछ आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप सोच करके देखिए कि आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है कि हाँ इंडिया में तो एजुकेशन की कमी ही है, बहुत सारे जो कॉरपोरेट्स हैं वो तो एजुकेशन में काम करते ही हैं, अच्छा अच्छा ये सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि हाईएस्ट एक्सपेंडिचर हेल्थ सेक्टर में होता है, ठीक है, हाईएस्ट एक्सपेंडिचर अंडर सीएसआर हैपेंस इन हेल्थ सेक्टर, सेकेंड हाईएस्ट होता है एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। फिर आपका और चीज़ें आप देख लीजिए, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि इन्वायरमेंटल सेक्टर में सीएसआर काफ़ी बढ़ गया है, फिर देखिए टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर सेक्टर में सीएसआर बहुत कम है, मतलब मात्र 0.1% है, ठीक है, बहुत सारा स्पेंडिंग हुआ है आपका क्लीन गंगा फंड में, ड्रिंकिंग वाटर, स्लम एरिया डेवलपमेंट के लिए, तो ये सब चीज़ें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों जो सीएसआर पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट्स किया गया था 2021 में उसको देख लेते हैं, तो देखिए इम्पैक्ट असेसमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी किया जाएगा, जो भी कंपनी 10 करोड़ से अधिक सीएसआर में खर्च कर रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट को असेस किया जाएगा एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा, ठीक है, तो ये एक चीज़ है। फिर देखिए जो भी आपका सीएसआर अमाउंट जो आपने खर्च नहीं कर पाए तो उसको मैंडेटरीली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया जाएगा, इन्हीं सारे ऊपर वाले एक्टिविटीज़ में, एलिजिबल एक्टिविटीज़ में। फिर देखिए आप सीएसआर में खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं, तो आपका 95% पैसा एजुकेशन को प्रमोट करने में ही खर्च होना चाहिए,
मुश्किल से आप 5% पैसा बोल सकते हैं कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ आप जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में ही, मतलब जो एक्टिविटी आप करना चाह रहे हैं उस एक्टिविटी में नहीं, उस एक्टिविटी के एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। तो मैक्सिमम 5% पैसा जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी में जा सकता है, बाकी पैसा आपका डायरेक्टली उस वेलफेयर एक्टिविटी में जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। फिर देखिए एक CSR कमिटी बनाई गई है जो अनस्पेंट CSR अमाउंट है उसको डील करने के लिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया में जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उसको मैनेज करने के लिए कंपनीज एक्ट है, SEBI है, फिर आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया है, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है। तो ये पूरा CSR एक्टिविटी जो है दोस्तों, नीचे बस इतना लिख लीजिएगा कि कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इसको लिख लीजिएगा। तो ये आपका आर्टिकल हो गया फिनिश। अब देखिए दोस्तों, इंडियन कंपनीज ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि इंडियन कंपनीज अब डायरेक्टली जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में लिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। अभी देखिए प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि इंडियन कंपनी जो है अपने सिक्योरिटीज को क्या कर सकती है कि फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने से पहले उनको डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन इस चीज को ही चेंज किया जा रहा है कि इन 2020 सेंटर अमेंडेड कंपनीज एक्ट अलाउइंग डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनीज ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए ऐसे स्टार मार्क दे करके, ठीक है। पहले तो आप लिख लीजिए, ये टॉपिक आप डाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहीं से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये शुरुआत कर लीजिए कि कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट 2020, तो लिखिए इंडियन कंपनीज कैन डायरेक्टली लिस्ट ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस। इंडियन कंपनीज कैन डायरेक्टली लिस्ट ऑन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस इवन बिफोर या इवन विदाउट लिस्टिंग ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस या इवन विदाउट लिस्टिंग ऑन डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंजेस। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए दोस्तों। अब एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और एक है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू अमेरिकन इन्वेस्टर्स या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स का पैसा इंडियन बिजनेसमैन उठा सकते हैं। उस तरह से इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू जो ग्लोबल जिनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है वो लोग इंडियन इन्वेस्टर्स का पैसा उठा सकते हैं। इस चीज़ को आप प्लीज़ लिख लीजिए, इसको अच्छे से बना करके लिख लीजिए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। ये लिख लीजिए मेनली यूरोप का है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट तो अमेरिका का है, ठीक है। लिख लीजिए इंडियन थ्रू भी, इन सब के थ्रू इंडियंस कैन रेज मनी फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, यानी इन टूल्स के थ्रू इंडियंस जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स से मनी रेज कर सकते हैं। इसी का अपोजिट जो रहेगा इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तो जो फॉरेनर्स हैं वो इंडियन इन्वेस्टर से मनी रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए। अब आ जाइए दोस्तों हम लोग इंडियन ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के बारे में बात करते हैं। तो ये होता क्या है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर होता है दोस्तों, वो कैटर करता है आपका कस्टमर आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो सच सेंटर्स डील विथ फ्लो ऑफ फाइनेंस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर्स। तो जैसे एक है आपका इंडिया का डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है, और एक है आपका IFSC, ठीक है। तो ये जो IFSC है ये आपका इंडिया के टेरिटरी में ही रहेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये डील करेगा उन मैटर्स से
जो डोमेस्टिक इकोनॉमी का जो रिस्ट्रिक्शन का हिस्सा नहीं है, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी के न्याय क्षेत्र में जो नहीं आते हैं, उन सारे जो इंटरनेशनल इकोनॉमी के न्याय क्षेत्र में आते हैं उनसे ये डील करेगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए। पहले तो आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर लिख लीजिए बस, ठीक है, और उसको लिख लीजिए इस्टाब्लिश्ड बाई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एक्ट, IFSC एक्ट 2020। फिर लिख लीजिए इंडिया हैज़ ओनली वन आई एफ एस सी। ठीक है, वो कहाँ पर है? गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। इंडिया हैज़ ओनली वन IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इंडिया में सिर्फ एक ही है, वो भी कहाँ पर है? गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। ये इतना ही आपको लिखना है। अब आ जाइए दोस्तों कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए कंपटीशन एक्ट कब आया था? 2002 में आया था, ये आपने लिख लिया। ठीक है, कंपटीशन एक्ट 2002 में आया था। दूसरा नीचे इसमें पॉइंट लिख लीजिए, इट रिप्लेस द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट को रिप्लेस किया, रिप्लेस्ड MRTP एक्ट। फिर लिखिए क्रिएटेड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो कॉम्पिटिशन एक्ट है इसने क्या किया, क्रिएट किया कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर ये एक्ट जो है दोस्तों क्या करेगा, अब इसका नाम ही है कंपटीशन एक्ट, तो ये क्या करेगा, कंपटीशन को बढ़ावा देगा और मोनोपोली एक्टिविटीज़ को या फिर जो एंटी फेयर बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करेगा, ये उनको रिस्ट्रिक्ट करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ये जो कंपटीशन एक्ट है जिसने कि क्या किया, MRTP एक्ट को रिप्लेस किया, जिसने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया, ठीक है, और जो कि इंडिया में कंपटीशन इंश्योर कराने का काम करता है। ठीक है, तो इस एक्ट में अभी रिसेंटली जो है कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, ठीक है, कंपटीशन एक्ट में। अब क्या क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसको देखते हैं, समझते हैं, और क्या जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको लिखते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया है, जो डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन है उसको, उसके लिए जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसको रिड्यूस करके 2000 करोड़ कर दिया गया है, यानी 2000 करोड़ से या उससे ऊपर का जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको कॉम्बिनेशन के तहत माना जाएगा। ठीक है, चाहे वो मर्जर के थ्रू हो, चाहे एक्विजिशन के थ्रू हो, चाहे एमलगमेशन ऑफ इंटरप्राइजेज के थ्रू हो। ठीक है, तो लिख लीजिए डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऐसे लिख करके लिख लीजिए, एनी ट्रांजेक्शन एबव वैल्यू 2000 करोड़, और ब्रैकेट में लिख लीजिए बी इट मर्जर एक्विजिशन और एमलगमेशन। ठीक है, अब देखिए जब ये दो कंपनीज एक आपस में एक दूसरे से कंबाइन करती है ना, ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन के प्रोसेस में 2000 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन को अप्रूवल के लिए भेजेंगे, ये नहीं कि अपने मन से ही लोग ये हो जाएंगे, कॉम्बाइन हो जाएंगे, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा उसको कि ये अप्रूवल के लिए ओके है या नहीं ओके है। तो इस काम को पहले, इस चीज़ को ओके है या नहीं है, ये पहले 210 दिन लगता था, अब उसको 150 दिन में ही करना है। ठीक है, तो लिख लीजिए रिडक्शन इन टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशन फ्रॉम 210 to 100, मतलब आप लिख लीजिए रिडक्शन इन टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, बगल में लिखना भी चाहें तो लिख लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 210 दिन से 150 दिन, वैसे उतना दिन का मतलब नहीं है। फिर लिख लीजिए एक्सपेंशन ऑफ स्कोप ऑफ कार्टेल्स। दोस्तों आपको पता है कि बहुत सारी कंपनी जो है कार्टेल बना लेती हैं, ठीक है, कि जैसे ड्रग कार्टेल होता है, ठीक है, या फिर वेजिटेबल कार्टेल है, आप समझिए ना, मान लीजिए एक मार्केट में चार दुकान है, इस दुकान में गए बोले टमाटर कितने का है, बोला 100 रुपये, इसमें गए ये बोला 80 रुपये, इसमें गए ये बोला 70 रुपये, और इसमें गए ये बोला 60 रुपये, तो आप यहाँ से 60 रुपये में टमाटर खरीदेंगे और बाकियों को भी धीरे धीरे अपना प्राइस को क्या करना होगा, घटाना होगा। अब मान लीजिए कि ये चारों सब्जी वाले क्या करके बैठे हैं, बोले कि हम लोग 100 रुपये छोड़िए, इसका 500 रुपये रखेंगे प्राइस। ठीक है, और कोई भी अपने प्राइस पॉइंट से हिलेगा ही नहीं, कोई भी अपने प्राइस पॉइंट से हिलेगा ही नहीं, तो कस्टमर क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये टमाटर ये चार ही लोग लेकर के बैठे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कार्टेल बनाना। तो इस एक्ट ने क्या किया, कार्टेल के स्कोप को एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, कार्टेल के जो स्कोप को एक्सपेंड कर दिया है, और उसमें हब एंड स्पोक अरेंजमेंट के तहत जो कंपनीज कार्टेल के तहत काम करती हैं उनको भी ले लिया गया है। बस आपको बस इतना लिखना है कि इट हैज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ कार्टेल्स।
फिर इसमें क्या क्या चीज़ें की गई दोस्तों, तो बहुत सारा आपको सारा डिटेल्स लिखना तो नहीं, आप समझ लीजिए। लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग इन्फॉर्मेशन, अब जैसे कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट है दोस्तों, एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट है तो उसके रिगार्डिंग जो किसी को अगर कंप्लेन करना है तो वो 3 साल के अंदर अंदर कंप्लेन कर सकता है, लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे तो थोड़ा बहुत डिले को सह सकती है, मतलब 4 साल तक भी आप जाते हैं या 5 साल के अंदर भी जाते हैं और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि ये नहीं, मतलब ये प्रॉपर कंप्लेन है, तो वो उस कंप्लेन को सुन सकती है, लेकिन अपने तरफ से आपको 3 साल के अंदर ही कंप्लेन करना है। फिर दोस्तों इसमें पेनाल्टी बढ़ा दी गई है, ठीक है, और जो पेनाल्टी है वो बेस्ड ऑन ग्लोबल टर्नओवर है, ठीक है, तो आप बस इतना ये पॉइंट लिख लीजिए कि पेनाल्टी इज बेस्ड ऑन ग्लोबल टर्नओवर, पेनाल्टी इज बेस्ड ऑन ग्लोबल टर्नओवर, मतलब मान लीजिए कि कोई कंपनी जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है, तो उस पर जो पेनाल्टी लगाई जाएगी वो पेनाल्टी जो है वो ग्लोबल टर्नओवर के बेसिस पर एसेस किया जाएगा, ठीक है, तो इसलिए लिख लीजिए कि पेनाल्टी इज बेस्ड ऑन ग्लोबल टर्नओवर। फिर एक चीज लिख लीजिए आपकी, कुछ ऑफेंसेस को क्या कर दिया गया है दोस्तों, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, फाइन फाइन या पेनल्टी देकर के आपको छोड़ा जा सकता है इंस्टेड ऑफ कि आपको जेल में डाल दिया जाए, ठीक है, तो मतलब ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, ऑफेंसेस अब सिविल रॉन्ग वक्त सिविल रॉन्ग कहलाएंगे, सिविल रॉन्ग में क्या लगता है, फाइन लगता है या फिर पेनल्टी लगता है, आप मुझे बता सकते हैं क्या कि फाइन और पेनल्टी के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिएगा कि सर्टेन ऑफेंसेस हैव बीन डीक्रिमिनलाइज्ड। फिर अगला लिखिए लीनियंसी प्रोविजन, तो लीनियंसी प्रोविजन क्या है दोस्तों, कि अगर एक कंपनी का जो ओनर है वो आपका कार्टेल इन्वेस्टिगेशन के तहत पकड़ा गया है, ठीक है, अब अगर वो चाहता है कि इसको छोड़ दिया जाए या इसको थोड़ी राहत दी जाए, तो ये अगर बाकी कार्टेल्स का भी इंफॉर्मेशन देगा ना तो इसको छोड़ दिया जाएगा, तो ये बेसिकली क्या है कि तुम अपने और साथियों का नाम बताओ तो तुमको छोड़ दिया जाएगा, वही प्रोविजन है लीनियंसी प्रोविजन, इस चीज को आप लिख लीजिए, ठीक है, लीनियंसी प्रोविजन को लिख लीजिए कि लेसर पेनल्टी फॉर द कार्टेल being investigated, lesser penalty for the cartel being investigated if he makes a true and vital disclosure, if he makes a true and vital disclosure about other cartels, तो ये हो गया आपका leniency provision, ठीक है। देखिए दोस्तों ऐसा हो सकता है, leniency provision बहुत अलग टाइप का keyword है, ये आपको एग्जाम में देख करके पूछा भी जा सकता है कि leniency provision is related to, इतना पूछ सकता है, या फिर लीनियंसी प्रोविजन का कुछ डेफिनेशन दे देगा, मतलब कि इसका कुछ अलग अर्थ बताने का कोशिश करेगा और पूछेगा कि ये सही है कि गलत है, तो आपको ये पता रहेगा तभी तो कि तुम अपने दोस्तों के नाम बताओ तो तुमको मैं छोड़ दूंगा, ये आपको पता रहेगा तो आप उसको मार्क कर दीजिएगा। फिर दोस्तों जो कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं आप देख लीजिए, सेटलमेंट एंड कमिटमेंट मैकेनिज्म लाया गया है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल जो है दोस्तों वो अब कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाएगा, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल रहेगा, और पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको अपॉइंट करती थी, इस चीज़ को चेंज कर दिया गया, यानी कहीं ना कहीं इसको और ज़्यादा ऑटोनॉमी देने का प्रयास किया गया है, ठीक है। और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, तो इसको कॉम्पिटिशन एक्ट के तहत बनाया गया था, इसका काम क्या है, कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देना, कॉम्पिटिशन को सस्टेन करना, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और फ्रीडम ऑफ ट्रेड को प्रोटेक्ट करना। आप बस इतना लिख लीजिए कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर, बाकी इसका कंपोजिशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे समझ लीजिए, इसमें एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है, और फिर 2 से 6 मेंबर्स हो सकते हैं इसमें, और टर्म ऑफ ऑफिस है 5 साल या फिर 65 साल तक, ठीक है, और एलिजिबल हैं वो लोग रीअपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, तो यही इसका काम है दोस्तों। खैर अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है रिसेंटली इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क का भी पार्ट बन गई है, तो ठीक है, तो इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क क्या है, तो इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क एक दोस्तों एक इनफॉर्मल बॉडी है, पहले बात तो ये समझ लीजिए, ये एक इनफॉर्मल नेटवर्क है, 140 कंपटीशन अथॉरिटीज है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज की जो कंपटीशन अथॉरिटीज हैं
उनका ये एक इनफॉर्मल नेटवर्क है, इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क। तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अभी रिसेंटली इस इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क का मेंबर बन गई है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ 140 कॉम्पिटिशन अथॉरिटीज और कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ दिस, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, जन विश्वास एक्ट बन गया। तो जन विश्वास एक्ट जो है 2023, इसने क्या किया है दोस्तों, बहुत सारे जो डिफरेंट एक्ट्स हैं उनको क्या किया है, डिक्रिमिनलाइज किया गया है। यानी जो सर्टेन ऑफेंसेस हैं वो उससे उसके तहत अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, आपको फाइन या पेनल्टी देकर के छोड़ दिया जाएगा। उसमें भी फाइन्स को पेनल्टी में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आपको ये पता होगा कि फाइन जो है बेसिकली जुडिशियरी लगाती है और पेनल्टी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज आप पर लगाते हैं। देखिए कोई भी मामला जुडिशरी तक जाएगा वो बहुत लंबा खींचेगा, उससे अच्छा वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ही आप पर फाइन लगा करके ये पेनल्टी लगा देगी, आप पेनल्टी पे कर देंगे, मामला वहीं रफा दफा हो गया, ठीक है। जुडिशरी पर भी लोड नहीं होगा। तो यही यानी कि डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है प्रोविजंस को, ठीक है। और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है उसको सिविल क्रिमिनल रॉन्ग्स है उसको सिविल रॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। और इम्प्रिजनमेंट को कन्वर्ट कर दिया गया है फाइन्स में और फाइन्स को कन्वर्ट कर दिया गया है पेनल्टीज में, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख लीजिए जन विश्वास एक्ट 2023 ये अमेंडमेंट हुआ है इसमें कुछ प्रोविजंस का, तो आप इसमें लिख लीजिए डिक्रिमिनलाइज्ड मैनी प्रोविजंस, ठीक है। कन्वर्टेड सेवरल फाइन्स इंटू पेनल्टीज। और बाकी ये सारा बहुत सारा जो एक्ट है उन सबके ऑफेंसेस को इसने डिक्रिमिनलाइज किया दोस्तों। अब वो सब चीज़ छोड़िए, इसका जो पर्पस है वो क्या है, पर्पस आपको लिखना है, ठीक है। पर्पस है इसका टू बूस्ट ईज ऑफ लिविंग एंड टू बूस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पर्पस इस एक्ट का है, दो पर्पस है, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो आपको ऐसा बोल सकता है कि जन विश्वास एक्ट वॉज ब्रॉट टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ओनली या ईज ऑफ लिविंग ओनली, तो वो दोनों गलत हो जाएगा। आप समझ सकते हैं मेरी बात को, ठीक है। तो ये चीज लिख लीजिए। अब आइए दोस्तों ट्रांसफर प्राइसिंग को समझते हैं हम लोग। ट्रांसफर प्राइसिंग और आर्म लेंथ प्रोविजन, ये दोनों वर्ड साथ के साथ आता है। ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या मतलब है दोस्तों, जैसे एक कंट्री है ए, छोड़िए, एक कंट्री है इंडिया और एक कंट्री है आपका केमेन आइलैंड और एक कंपनी है टाटा फॉर एग्जांपल। तो टाटा की एक सब्सिडियरी टाटा वन यहां काम कर रही है और टाटा सी यहां काम कर रही है, ठीक है। और प्रॉफिट उस टाटा को इंडिया में भी हो रहा है और केमेन आइलैंड में भी हो रहा है, ठीक है। तो अब टाटा क्या कर सकती है, और इंडिया में प्रॉफिट के ऊपर टैक्स जो है वो हाई है और केमेन आइलैंड में प्रॉफिट के ऊपर टैक्स बहुत कम है। तो क्या करेगी, टाटा वन और टाटा सी के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें खरीदी और बेची जाती होंगी, ठीक है। तो टाटा वन क्या दिखाएगी कि मेरा प्रॉफिट ही कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और टाटा सी क्या दिखाएगी, यानी कि टाटा वन का जितना भी प्रॉफिट है उसको किसी ना किसी फॉर्म में टाटा सी के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। और टाटा सी दिखाएगी कि हाँ मेरे पास तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हाई प्रॉफिट पर भी कम टैक्स है, तो इस इकोनॉमी में इसको जो है टाटा सी को कम ही टैक्स पे करना होगा, लेकिन इंडिया के केस में उसको अधिक टैक्स पे करना होगा। तो आपस की जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टाटा वन को कोई पेमेंट करना है टाटा सी की सर्विस के लिए, तो टाटा सी क्या करेगा ना, टाटा वन से बहुत पैसा चार्ज करेगा, ठीक है। तो टाटा वन के पास कोई प्रॉफिट बचने ही नहीं देगा, टाटा वन को भी लगेगा कि चलो ठीक है तुम बहुत पैसा चार्ज कर लो, पैसा तो हम लोगों का ही है ना आखिरकार, हम दोनों तो दोस्त ही हैं,
और टाटा वन टाटा सी से जब कोई वही सर्विस लेगा, यानी कि उसको कोई सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो वो टाटा सी को बहुत कम पैसा चार्ज करेगा, ठीक है, तो उसको बहुत कम पैसा चार्ज करेगा, तो टाटा सी को प्रॉफिट दिखाया जाएगा और टाटा वन को प्रॉफिट नहीं दिखाया जाएगा, इवन हो सके तो लॉस दिखाया जाएगा, ताकि टाटा वन को ज़्यादा जो है टैक्स पे ना करना पड़े। तो यही है दोस्तों ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट, कि टाटा वन और टाटा सी तो रिलेटेड कंपनीज हैं, तो ये लोग आपस में जो प्रोडक्ट्स हैं, जब प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एक्सचेंज करती हैं तो वो जो प्राइसिंग उसकी करेंगी, यही है आपका आपका ट्रांसफर प्राइसिंग। तो इसको आप समझ लीजिए। तो ट्रांसफर प्राइसिंग इज एन अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, दैट अलाउज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज बिटवीन डिवीजन सब्सिडरीज और अफिलियट्स दैट आर पार्ट ऑफ लार्जर इंटरप्राइज। मेरी बात समझ गया, जो एक ही इंटरप्राइज के अलग अलग पार्ट्स के बीच में, अलग अलग पार्ट्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज के लिए जो प्राइस वगैरह पे करना पड़ता है, तो उससे रिलेटेड जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है। तो कंपनीज यूज ट्रांसफर प्राइसिंग टू रिड्यूस द ओवरऑल टैक्स बर्डन ऑफ द पेरेंट कंपनी। तो इसको कैसे किया जाता है, बाई चार्जिंग हायर प्राइस टू सब्सिडरीज इन हाई टैक्स कंट्रीज और चार्जिंग लोअर प्राइस फॉर सब्सिडरीज इन लो टैक्स कंट्रीज। तो इस चीज को ना दोस्तों, अब आप अपने शब्दों में इसको जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है, जिसको जैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही है ट्रांसफर प्राइसिंग, तो ये लिख लीजिएगा, ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। अब देखिए, अब इस ट्रांसफर प्राइसिंग को से डील करने के लिए, ट्रांसफर प्राइसिंग से डील करने के लिए इसको डील करना है, कि ट्रांसफर प्राइसिंग के तहत जो है लो जो कंपनी जो है वो आपका टैक्स अथॉरिटीज को बेवकूफ ना बनाए, तो उसके लिए जो प्रोविजन है उसको बोला जाता है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल का मतलब क्या है, दो सब्सिडियरीज भी आपस में जब गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगी तो वो वही प्राइस चार्ज करेंगी जैसा वो अगर नॉन रिलेटेड कंपनीज होती तो एक दूसरे से चार्ज करती है, तो इसी को बोला जाता है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। इसको भी आप लिख लीजिए, द प्राइस ए कंपनी पेज टू परचेज गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अ रिलेटेड कंपनी एंटिटी शुड बी द सेम एज इफ द टू एंटिटीज वेर अनरिलेटेड। बस इसको इतना ही आप लिख लीजिए, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, जो टैक्स बेस का इरोजन, मतलब जो टैक्स अवॉइडेंस को क्या करना, प्रिवेंट करना, कोई कंपनी अपना टैक्स को अवॉइड ना कर सके, यही तो इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो प्लीज ये आप जो है ट्रांसफर प्राइसिंग और आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, ये कीवर्ड्स को आप समझ जाना है आपको। आपका पूछा जा सकता है कि दिस टर्म इन न्यूज इज रिलेटेड टू, या फिर दिस टर्म इन न्यूज इसका इसका ये मतलब है, ठीक है, और गलत मतलब डाल करके आपसे पूछा जाएगा, तो आपको गलती नहीं करनी है। फिर आ जाइए दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के ऊपर। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पहले तो पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है ये समझ लीजिए। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश किया जाता है दोस्तों आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन प्लस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्लस इनसीड बिजनेस स्कूल प्लस इनसीड बिजनेस स्कूल, ये लिख लीजिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज पब्लिश बाई वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन प्लस कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्लस इनसीड बिजनेस स्कूल, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इसको पब्लिश किया जाता है। फिर क्राइटेरिया में लिख लीजिए आप, क्राइटेरिया में दो पिलर्स हैं इसके, इनपुट पिलर्स और आउटपुट पिलर्स। इनपुट पिलर्स के अंतर्गत आप लिख लीजिए इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल रिसर्च, इंफ्रा, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, प्लीज सब कुछ लिख लीजिए आप, ठीक है। और आउटपुट पिलर्स में लिख लीजिए नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स और क्रिएटिव आउटपुट्स, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स और क्रिएटिव आउटपुट्स, ये सब हो गया बेसिकली कितने पेटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस आधार पर आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को मेजर किया जाता है। और इंडिया का रैंक है 40, इंडिया का रैंक जो है वो क्या है 40 है, यानी ठीक ठाक रैंक है लेकिन हम लोग को और इम्प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट रैंक है लिख लीजिए स्विट्जरलैंड का, फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड का, बाकी अब आप इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया जो है वो लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप में उसका अच्छा रैंक है, ठीक है। और हम लोग इनोवेशन के क्षेत्र में ओवर परफॉर्मर है 13 साल से लगातार, ठीक है। और पब्लिकेशन आउटपुट हमारा काफ़ी बढ़ा है, यूके से हम लोग ऊपर हैं, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप सीधा आ जाइए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लिख लीजिए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो लिखिए इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी,
स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी एस्टैब्लिश्ड इन 1967। तो ये बोल देगा कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोथ आर नॉट अ यूएन एजेंसी। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि वो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसकी मेंबर्स हैं 193 कंट्री। ठीक है, और ये क्या देखता है आपका मेजर ट्रीटीज इसके अंदर जो आते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के तहत, वो है पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, बर्न कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, और पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी। तो इन तीनों ट्रीटी का ही इंडिया पार्ट है, बट आपको बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे दिमाग में रखिए। आइए दोस्तों स्टार्टअप्स इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टार्टअप्स क्या हैं, ये लिखिए। तो देखिए स्टार्टअप्स को इंडिया में रिकॉग्नाइज करता है DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो बस लिख लीजिए स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज बाय DPIIT मोसी के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, और स्टार्टअप का क्राइटेरिया आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं याद है तो आपको याद होना चाहिए, कहीं नहीं पढ़ा हुआ है तो इसको अभी लिख करके पढ़ लीजिए। ठीक है, तो कंपनी का एज जो होना चाहिए मैक्सिमम 10 साल स्टार्टअप का, आपने ये तो समझ लेना, लिख लेना, रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम। ठीक है, और एज उसका लिखिए, कंपनी एज शुड नॉट बी 10 ईयर से ज़्यादा। कंपनी टाइप सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो सकता है। ठीक है, फिर एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। जो कंपनी होनी ये होनी चाहिए वो एकदम ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि मान लीजिए रिलायंस जो है वो एक नया कुछ कंपनी बना दे तो वो स्टार्टअप नहीं कहलाएगा। ठीक है, एकदम ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए, इट शुड बी एन ओरिजिनल एंटिटी एंड इट शुड बी इनोवेटिव एंड स्केलेबल। इट शुड बी इनोवेटिव एंड स्केलेबल, तो ये सारा पॉइंट्स आप लिखेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, तो इंडिया में स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज कौन करता है, DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और अलग अदर जो रेगुलेशंस हैं स्टार्टअप्स से रिलेटेड वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करता है, फिर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड करता है, RBI वगैरह भी करता है। ठीक है, तो वो सब आप देख लीजिए क्या क्या चैलेंजेज हैं स्टार्टअप्स को। तो एग्रीकल्चर पर फोकस ही नहीं है, जबकि आपको पता है कि 45% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो बहुत कम है, तो यही सब आपका प्रॉब्लम है। अब आ जाइए दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसका जेनेसिस होता है, BIS जो है इंडिया का नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है। ठीक है, BIS क्या है लिख लीजिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स लिख लीजिए, इट इज़ ए नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी Established under BIS Act 1986, replaced Indian Standards Institution। तो BIS जो है ये इंडिया के नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है, जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया है BIS Act 1986 के द्वारा, और जिसने कि इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन को रिप्लेस किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। अगला चीज़ आप लिख लीजिए, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है वो देख लीजिए, ये स्टैंडर्ड मतलब कोई भी प्रोडक्ट है ना वो उसका एक हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए, इस चीज़ को एंश्योर कराना इसका काम है। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में तो मैंडेटरी बोलता है कि आपको ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को मीट करना ही है, और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में ऑप्शनल है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स, अचीव हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, टू प्रोवाइड थ्रस्ट टू स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल में 27 मेंबर्स होते हैं, इसका प्रेसिडेंट जो होते हैं, इसके हेड जो होते हैं वो होते हैं मिनिस्टर जो होते हैं आपके, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स वाले। फिर वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो यही मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स वाले। फंक्शंस क्या है इसका, स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेट करना, स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करना, तो यही सब इसका फंक्शन है दोस्तों। ठीक है, अब आपको बस ये जानना है
जानना नहीं, लिखना है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है इंडिया में उसका कंपलसरी सर्टिफिकेशन जरूरी है। लिख लीजिए प्रोडक्ट्स अंडर कंपलसरी सर्टिफिकेशन, लिख लीजिए प्रोडक्ट्स अंडर कंपलसरी सर्टिफिकेशन लिखिए, ठीक है। सीमेंट प्रोडक्ट्स अंडर कंपलसरी सर्टिफिकेशन ISI, ये जो ISI मार्क है ये भी आपका BIS देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ही ये कंपलसरी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो उसमें लिख लीजिए सीमेंट को कंपलसरी सर्टिफिकेशन करना होगा, सीमेंट में आप कुछ भी मिला करके नहीं दे सकते हैं। फिर देखिए हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल गुड्स इसका भी कंपलसरी सर्टिफिकेशन आपको देना होगा। फिर फूड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, फिर ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज, फिर मेडिकल इक्विपमेंट, फिर स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स, फिर एयर कंडीशनर एंड इट्स पार्ट्स, फिर डोमेस्टिक गैस स्टोव्स एंड प्रेशर कुकर्स, फिर इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक टॉयज। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं क्यों लिखने के लिए बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको लिख लीजिए, ठीक है, कि कंपलसरी सर्टिफिकेशन इंडिया में ज़रूरी है इन प्रोडक्ट्स का, सीमेंट का, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल गुड्स का, फूड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज का, मेडिकल इक्विपमेंट का, स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स का, एयर कंडीशनर का, डोमेस्टिक गैस स्टोव्स का, प्रेशर कुकर्स का, इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक टॉयज का। फिर ये सब देख लीजिए BIS का दोस्तों कुछ अचीवमेंट्स है कि BIS हैज अवॉर्डेड द प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन टू मोर देन 1000 प्रोडक्ट्स। फिर देखिए ये आपको लिख लेना है मानक ऑनलाइन क्या है, मानक ऑनलाइन है दोस्तों BIS के द्वारा डेवलप किया गया है और ये फॉरेन कंसाइनमेंट्स के लिए है, ठीक है, मानक, मानक का मतलब होता है वही स्टैंडर्ड को ही मानक बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, ठीक है। तो मानक ऑनलाइन क्या है तो लिख लीजिए पहले तो ऑनलाइन कंसाइनमेंट पोर्टल है, ऑनलाइन कंसाइनमेंट पोर्टल है, नीचे लिख लीजिए डेवलप्ड बाय BIS है, डेवलप्ड बाय BIS है, और फिर नीचे लिख लीजिए बाई फॉर फॉरेन लाइसेंसीज, मतलब जिनके पास फॉरेन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह का लाइसेंस है उन लोगों के लिए है ये, फॉर फॉरेन लाइसेंसीज जो लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों डिफरेंट जो सर्टिफिकेशन इंडिया में होते हैं उसके बारे में जान लीजिए। जैसे ISI मार्क है तो ऊपर मैंने जो आपको बताया था ना मैंडेटरी सर्टिफिकेशन, वही है मैंडेटरी सर्टिफिकेशन ISI, और वो किसके द्वारा दिया जाएगा BIS पर, और ये किस पर दिया जाएगा ऊपर में बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर, किचन अप्लायंसेस वगैरह पर, यह आपका ISI मार्क लेना एकदम मैंडेटरी है, तो वो तो हो गया आपका। फिर एग मार्क जो है दोस्तों वो दिया जाता है, लिख लीजिए एग मार्क दिया जाता है डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। बाकी एग मार्क है तो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर है, ये आप समझ सकते हैं। फिर BIS हॉल मार्क दोस्तों दिया जाता है BIS के द्वारा फॉर गोल्ड ज्वेलरी। फिर आप लिख लीजिए जो इको मार्क है दोस्तों वो दिया जाता है आपका BIS के द्वारा ही दिया जाता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए, BIS के द्वारा ही दिया जाता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए। फिर जो FPO मार्क है दोस्तों, FPO मार्क है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है फॉर फूड प्रोडक्ट्स, FPO मार्क दिया जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर फूड प्रोडक्ट्स। फिर देखिए इंडिया ऑर्गेनिक जो मार्क है दोस्तों, इंडिया ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाना है उस पर लगाया जाता है, और ये दिया जाता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, APEDA, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। आपको ये मुझे बताना है कि जो APEDA है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ठीक है, APEDA किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर ही काम करता है या नहीं करता है। देख लीजिए एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, डज इट वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और नॉट। खैर आप यहां पर लिख लीजिए इंडिया ऑर्गेनिक, ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा किसके द्वारा, APEDA के द्वारा, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर ये आपको पता होता तो आप सीधे शॉर्ट में लिख सकते हैं, नहीं पता है तो फुल में लिखिए, ठीक है।
तो इसी के साथ दोस्तों आपका इकोनॉमी का PT 365 आपका कवर हो गया है। भगवान करे नेक्स्ट ईयर आपका फोटो ऐसे लगा हुआ रहे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, इन्वायरमेंट का PT 365 का वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।